अभी आपको मैं बिना टाइम वेस्ट किए एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सेंस लगा के बिना ये इधर उधर सोचे कि ये डब करके डॉक्टर्ड वीडियो है या कुछ भी ऐसा, पहले देख लेना, मन हो तो लिपसिंग समझ लेना कि डॉक्टर्ड है या क्या है, जो भी दिमाग लगाना हो सब समझ के, लेकिन एक दो मिनट की वीडियो है ये, मन पहले सुन लेना, हिंदू हो या मुसलमान हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले सुन लेना, उसके बाद किसी जजमेंट पे आओगे मुझे अच्छे से पता है क्या जजमेंट होगा, हिंदू होगे तो क्या होगा ये भी पता है, मुसलमान होगे तो क्या होगा ये भी पता है, और एक बीच के एक लोग होते हैं ना हिंदू ना मुसलमान, वो एक ऐसी प्रजाति होती है जो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, जो एक्सेप्ट करते हैं वो एक नतीजे पे आ जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो बस बीच में लटक के रह जाते हैं, उनके पास किसी बात का कोई लॉजिकल तर्क नहीं होता। तो वीडियो देखो फिर बात करते हैं। दुरुस्त है क्या, किसी ने कहा गैर मुस्लिमों को विश करना उनका खास खाना खाना दुरुस्त है क्या? तो याद रखिए गैर मुस्लिमों को उनके त्यौहार पर विश करना हराम है। आप हैप्पी दिवाली नहीं बोल सकते, हैप्पी दशहरा नहीं बोल सकते, ऐसा आपने बोला मतलब आप इख्तियार, आप कह रहे हाँ वो राम था उसने जीता था, रावण से जंग हुई थी, सीता को लाया था, मैं इसको मानता हूँ इसलिए हैप्पी, वो दिन आपके लिए खुश हो। अब वो आप कुछ लोग बोलते वो हमको ईद मुबारक बोलते हैं ना, तो वो उनका मसला है, हमने बोले गला पकड़ के ईद मुबारक बोलो हमको, हमने बोले थे उसको, उसने बोला अच्छी बात है। अब लेकिन अखलाक भी तो कोई चीज है, अगर वो हमको बोलते हैप्पी दिवाली तो हम क्या करना, क्या सेम टू यू बोलना? तो नहीं, वो भी नहीं बोल सकते, आप क्या बोलना, टू यू, तेरे लिए, हैप्पी दिवाली टू यू, मेरे लिए नहीं हो कुछ भी, मैं नहीं मानता उसको, टू यू मतलब तेरे लिए हैप्पी है, मेरे लिए थोड़ी हो, मेरे लिए थोड़ी है ना, सेम टू यू बोलना बोले तो खत्म, मतलब तुम्हें भी दिवाली मुबारक और खत्म हो गया मामला। अब ऐसा होता है कि हम लोग एहसास से कमतरी होते हैं, मेरा बॉस क्या बोलेगा, मेरे साथ वाले क्या बोलेंगे, एहसास से कमतरी जरा बाहर निकलिए, छोड़िए ये सब चीजें, दीन के मामले में बहुत हो गया एहसास से कमतरी ने आज मुसलमानों को डुबा के रख दिया पूरा, निकलिए थोड़ा उससे बाहर उभरिए। अगर वो बोले भाई तुमने मेरे को विश नहीं किया दिवाली, उसको सबसे पहले बोले मेरे विश करने से क्या आपको खुशियां मिलने वाली थी, जो मिलना थी मिल गई बोलना आपको अपने ईद पर, दिवाली उनकी ही देख पहले चीज, ठीक। दूसरा बोलना विश मांग कर नहीं लिया जाता बोलना, कोई कर दे तो ले लिया जाता है बोलना, तोहफे मांग के थोड़ी लिए जाते बोलना, कोई कर दे विश तो ठीक बात। तीसरा जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है उस चीज को हम हक मानते ही नहीं है बोलना, राम को हिस्टोरिकल फिगर नहीं था, अगर आप साबित कर दो तो मैं फिर हैप्पी दूंगा आपको, हिस्टोरिकल फिगर ही नहीं जो चीज उसके बारे में क्यों बोलना आप वो कर रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस साबित कर तो मैं करूंगा। वो खुद बोलेंगे जानदार के चक्कर में कहां पड़े, इतने सवाल कर रहा हमको खुद नहीं मान। एक शख्स आएगा और मुझे हैप्पी होली, मैंने कहा अच्छा है होली हैप्पी रहती, हाँ बहुत हैप्पी रहती बोले, मैंने कहा होली क्या है मुझे बता दो तो मैं भी फिर बताऊंगा हैप्पी है या हैप्पी नहीं है, कुछ तो फिर हता बोले हम रंग खेलते हैं, फिर ये कौन सी बात है यार रंग खेलते हैं, इससे थोड़ी मैं हैप्पी बोल सकता, आप वजह तो दीजिए, जान दो यार तुम्हारे चक्कर में जाना ही नहीं, मतलब कोई दलील होना ना मुझे हैप्पी, अगर दिवाली है तो मुझे बताइए ना क्या हैप्पी है उसके अंदर जो मैं उसको मुबारक बुद्ध हैप्पी दिवाली बोल कर आऊँ या हैप्पी होली बोल, हैप्पी बताइए ना क्या है उसमें। बोले नहीं मेरे को कुछ नहीं मालूम, ये क्यों मनाते, तो वो भी नहीं मानता, जब आपको कुछ भी नहीं मानता क्यों मनाता ऐसे त्यौहार मुझसे। जब ये वीडियो मैंने देखी तो मुझे एक तो सबसे पहली बात इतना तेज गुस्सा आया, जाहिर सी बात है एक सबसे पहला रिएक्शन है, गुस्सा इस बात के लिए आया कि इस वीडियो में जो भी सामने आदमी है, मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में, मैं जानना भी नहीं चाहता ऐसे लोगों के बारे में, उसने कहा कि होली दिवाली इन सब चीज़ों पे विश करना हराम है, वो विश करे तो हम उसको जब फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है तो कर रहा है अच्छी बात है, हम करेंगे तो अच्छी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी हिपोक्रेसी। और जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर रहा था, यानी लोगों को ये कह रहा था कि फॉलो दिस, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो, दिवाली होली विश करना हराम है, आप विश करते हो तो ये चीज़ मान जाते हो कि वो चीज़ हुई थी, और वरना आपके सेंस के हिसाब से वो चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके धर्म में आपको बताया जाता है कि अल्लाह से बढ़कर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, और अगर आप विश करते हो तो आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि उनसे भी बड़ा कोई था, मतलब किसी और रिलीजन में सही कोई एक ऐसी शख्सियत थी जो, आपका धर्म तो 1400 साल पुराना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहो तो गूगल कर लो, चाहो तो अपने पूछ लो जितने भी मौली मौलाना या जितने भी बड़े होंगे, और हिंदू धर्म दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है, रिटेन में 5000 साल और वैसे लोग कहते हैं लाखों साल, तो आपका जो धर्म का जो ड्यूरेशन है उस हिसाब से आप कहीं गलती से भी ये चीज़ एक्सेप्ट करने पर राजी ना हो जाओ कि आपके ड्यूरेशन से पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते थे, तो जाहिर सी बात है ये फैलाना ज़रूरी है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से, स्पेशली उन लोगों से जो मेरी पुरानी वीडियोज़ पर कमेंट कर रहे हैं, 10 में से 9 लोग मुसलमान ही हैं, मेरा ये सवाल है और बिल्कुल है कि इस वीडियो पे,
इस मैसेज पे जो जो ये वीडियो दे रही है उसका मुझे जवाब कमेंट में वो लोग दें जो इस सोच को एक्सेप्ट करता है और जो इस सोच के खिलाफ है। जो भी इस वीडियो में मैसेज फैलाया जा रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, और अगर खिलाफ है तो क्या सही है, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो भी बता दे कि हाँ हाँ भाई सब सही है, विश्वास नहीं करना चाहिए। सामने से ही सेकुलरिज्म हम सिर्फ एक्सेप्ट करना जानते हैं, और जब हम गलती से किसी स्टेट में मेजॉरिटी में आ जाते हैं तो फिर वहाँ सेकुलरिज्म शब्द को भी हम दूर कर देते हैं उस पूरे स्टेट से, जैसे कि एग्जांपल कश्मीर में हो रहा है। तो बातें मेरी जिसको जितनी बुरी लगनी है लगे, सच है, एक्सेप्ट करके चलोगे तो शायद सुधार कर पाओ। अगर लॉजिकल क्वेश्चन पूछना हो या आंसर देना हो फैक्चुअल, और अगर फैक्चुअल ना भी हो तो तुम्हारी नज़र में जो तुम्हें सच लगे वो मुझे बताना, मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूँ। सुन के क्या होता है ना, मुझे लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। आज ही सुन लो, सोच के बारे में पता चलता है, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे तरह तरह के लोग मैसेज करें ताकि मैं जानूँ कि पहले मुझे लगता था कि कुछ लोग बुरे हैं बाकी सब अच्छे हैं, अब मुझे ये लग रहा है कि कुछ ही अच्छे हैं बाकी सब एक जैसे हैं। अब एक जैसे में कौन है क्या है वो आप लोग ही मुझे बताते हो कमेंट करके, जब चीज़ों को आप एक्सेप्ट ना करके इलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन रखते हो। ये वीडियो देख के जो मुझे फील हुआ है, ये मैं चाहता हूँ कि ये सच्चाई हर जगह फैले, स्पेशली इसलिए मैंने डाला। ये है, ये यूट्यूब पे होगी, ये फेसबुक पे भी लोग शेयर कर रहे हैं, ये ट्विटर पे भी शेयर कर रहे हैं। मुझे ट्विटर पे तारिक फतेह द्वारा ये मिला, किसी हिंदू ने ये अफवाह फैलाने के लिए हेट स्पीच के लिए नहीं शेयर किया है, तारिक फतेह ने शेयर किया है और मैंने उन्होंने अपलोड किया था और मैंने डाउनलोड किया, मैंने इसलिए इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ, और इसलिए उसके ऊपर वीडियो बना के मैं पूछना जो चाहता हूँ वो मैंने पूछ लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। किसी को लगे कि इसकी ये वीडियो जो भी मैंने ऐड किया अपने वीडियो में वो आगे फैलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर सकता है, और मुझे जवाब चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।